अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं कि आप अपने शोल्डर को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। या जो हमारे दोस्त हैं मोहसिन, उन्होंने अपने शोल्डर को खूबसूरत कैसे बनाया और मॉडल फिजिक की उन्होंने। तो हमारे साथ आज वलीद मौजूद है और वो हमें बताएंगे कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है जिनसे आप अपने शोल्डर को खूबसूरत कर सकते हैं। तो मिलते हैं वलीद से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद मलिक है, लिफ्ट जिम का ओनर हूं। लास्ट वीडियो में हमने बैक की एक्सरसाइज की थी, विंग्स की, तो आज हम लोग करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज। स्टार्ट करें। अच्छा, जैसे कि लास्ट दो वीडियोस में मैंने बोला कि पूरी बॉडी का वार्म अप होना चाहिए, तो वो आप कैसे ही करेंगे। शोल्डर का वार्म अप थोड़ा अलग होगा। इसमें आपको 7-8 की एक्सरसाइज करनी है। इसमें ये होता है कि वार्म अप में आपका बैक का मसल, फ्रंट डेल्ट और साइड, तीनों वार्म अप होते हैं। साइड लेटरस लगाएंगे आप 12 रेप्स। फ्रंट लगाएंगे हम, फ्रंट शोल्डर की डबल प्रेस, बैक शोल्डर के लिए इसमें आपको 12 रेप्स करने पर एक्सरसाइज के तकरीबन ये है। आप एक सेट करें बहुत है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इसमें आपको ये कि आपको पूरा शोल्डर स्ट्रेच हो रहा होगा और ये बिल्कुल लाइट वेट से करेंगे आपको। कोनी बिल्कुल स्ट्रेट होगी ताकि पूरा शोल्डर आपका स्ट्रेच हो। बैंड वाली बैक के लिए नेक्स्ट बैक, ये फ्रंट के लिए आपके। ओके नेक्स्ट फ्रंट के लिए। इस एक्सरसाइज में ये होता है वार्म अप में कि आपके तीनों मसल पूरी तरह एक्टिव जाते हैं। बैक शोल्डर के, साइड लेटरल, बैक का मसल और फ्रंट का मसल शोल्डर। स्टार्ट करते हैं वर्कआउट करते हैं। सिंगल एंड साइड लगाएंगे इसमें हम। अच्छा, इसमें आपको एक चीज का ख्याल रखना है, किसी चीज को आपको होल्ड करना है और पूरा बैंड होगा अपना, फोर्स आपकी पूरी नीचे की तरफ और आपकी कोनिया बिल्कुल स्ट्रेट हो। चलो, ये साइड साइड शोल्डर मसल होते हैं। 12 रेप्स लगाएंगे, 3 सेट्स लगाएंगे और वेट आप अपने हिसाब से देखेंगे, जितना वेट आप इजीली लिफ्ट कर सको। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, रेस्ट की जो पोजीशन होगी वो आपकी अपनी तरफ होगी ताकि इससे अच्छा लोड पड़ेगा। साइड लेटरल्स करेंगे हम लोग, एज यूजुअल जो होता है। अच्छा, इसमें भी आप लोगों को एक चीज देखनी है, आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होगी, सिर्फ आपको अपने शोल्डर के मसल से ये डंबल्स पे लिफ्ट करना है। चलो, और नेगेटिव आपको रोकना है इसमें, जैसे आप वापसी लेके आ रहे हो तो स्लो लेके आओ बिल्कुल, ताकि आपका इफेक्ट अच्छा है मसल पे। और कोनिया थोड़ी सी खुलेंगी नीचे जाके, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे आपके और पूरा लिफ्ट करना ऊपर तक। डबल प्रेस करेंगे, बैक शोल्डर की एक्सरसाइज है, 3 सेट 12 रेप्स इनफ है। अच्छा, इसमें भी एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप ये लिफ्ट कर रहे हो तो आपको पूरा नीचे स्ट्रेच करना है और पूरा ऊपर लाके स्क्वीज करना है ताकि आपकी मसल अच्छी तरह एक्टिव हो। जिस तरह से देखें, पूरा नीचे आपको जा रहा है
स्ट्रेच कर रहे हो ऊपर आके पूरा लिफ्ट कर रहे हो। बारह रेप्स 3 सेट इनफ है। वेट अपने हिसाब से देखेंगे कि कितना वेट लिफ्ट कर सकेंगे। अच्छा फ्रंट लेजेस लगाएंगे हम लोग, नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्रंट शोल्डर के लिए। अच्छा इसमें दो एंगल होते हैं, एक तो ये एंगल होता है सही है, और एक ये खड़े डंबल के साथ होता है। मैं जो अपने लड़कों को करवाता हूँ खड़े डंबल के साथ, क्योंकि जब नेगेटिव फोर्स आती है तो उसमें अच्छा प्रेशर पड़ता है आपके मसल पे, लोड अच्छा आता है उसमें। सेम 3 सेट 12 रेप्स, क्योंकि इसमें भी यह करना कोनी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी और नीचे लाते हुए आपको बिल्कुल स्लो नेगेटिव फोर्स, जितना आप स्लो लाएंगे उतना आपका मसल अफेक्ट होगा फ्रंट का। नेक्स्ट एक्सरसाइज बैंड ओवर करेंगे बैक शोल्डर्स के लिए। बैंड ओवर आप खड़े होकर भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। बैठ के इसलिए कि अगर आप विंगर से तो आप बैठ के करें क्योंकि आपका एंगल अच्छा बनेगा उसमें। 3 सेट्स 12 रेप्स इन द प्रेस, पूरा बैंड होंगे आप, चेस्ट अप होगा और फेस अप होगा। चलो स्टार्ट, और पूरा हाथ ऊपर लाके कोनिया स्ट्रेट होगी थोड़ी, और नीचे आप स्लो जाएंगे नेगेटिव रोकते हुए जाएंगे आप। ये जी शाबाश, नेगेटिव जितना रोकेंगे उतना प्रेशर आएगा आपके बैक मसल पे। तीन सेट 12 रेप्स एक्सरसाइज करेंगे हम फ्रंट शोल्डर की और लेग प्रेस। लेट्स पे सबसे बड़ा आपको अपने हाथ क्लोज रखने को नहीं, क्लोज रखने डंबल ऐसे पड़े हुए पूरा ऊपर सर के ऊपर आएगा, डंबल सर के ऊपर आएगा, नीचे आएगा स्लो नेगेटिव फ्लोकिंग आप। 12 रेप्स 3 सेट इन द बिगिनर। सेकेंड क्लास एक्सरसाइज करेंगे हम लोग बैक शोल्डर के लिए। एक्सरसाइज आप कोई भी करें मगर आपको ये ध्यान रखना चाहिए नेगेटिव फोर्स आपको रोकनी है, जितना आप स्लो लाएंगे नेगेटिव फोर्स उतना अफेक्ट आपको मच सकता है। आपको उसी से ध्यान रखना, जब आप पीछे लाएंगे तो आप बिल्कुल अपने माथे से बिल्कुल क्लोज लाएंगे और यहाँ होल्ड करेंगे आप 2 सेकंड, देन स्लो आप आगे जाएंगे। इसको यूज करते हैं शाबाश। 3 सेट्स 12 रेप्स इन द फ्रंट। लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे श्रग्स, कॉलर भी जिससे बोलते हैं कॉलर भी एक्सरसाइज। अच्छा श्रग्स की एक्सरसाइज में एक कॉलर में आप वेट जो है हैवी लिफ्ट करेंगे, जिसमें आपको लिफ्ट करना है आप सिलो 10 रैप सिलो निकालेंगे 10 पास निकालेंगे आप, पूरे लगे ऊपर स्क्वीज करना देन नीचे पूरा स्ट्रेट छोड़ना है आपको। 12 रैप्स 3 सेट इन अ फेस। अमूमन लोग गलती ये करते हैं, बिगनर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अपने मसल को एक्सरसाइज करते हैं, उनका मसल डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने 5 एक्सरसाइज करी है, आज हम लोगों ने डबल प्रेस लगाए, फ्रंट डंबल लगाए, ऑल्टरनेट प्रेस लगाए, रोप लगाए, श्रग्स लगाए,
बैंड ओवर लगाया। अच्छा अमूमन लोग गलती करते हैं कि बिगनर्स होता है उनका मसल इतना बड़ा नहीं होता, इतना मिच्योर नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनका मसल डिप्लीट होना शुरू होता है। अब रॉड हमने शोल्डर की आज इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हमने 5-6 एक्सरसाइज कर चुके हैं हम लोग, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि साथवी या रॉड की या बैक या फ्रंट की रॉड की एडिशन करें उसमें। अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो फ़ायदा ये नहीं होगा कि आपका मसल डिप्लीट होना शुरू हो गया, याद मतलब कि बढ़ने के बजाय आप और ज़्यादा उसको ब्रेक करोगे मसल को। डंबल्स की एक्सरसाइज से हमें ये फ़ायदा होता है, एक तो आपके एंगल्स अच्छे होते हैं, सेकेंड ये होता है आपका मसल पूरी तरह एक्टिव होता है। कंपाउंड एक्सरसाइज होती है तो आपकी दोनों हाथों की प्रॉपर अलग अलग से जान लग रही होती है। अगर हम रॉड लगाएंगे तो दोनों साथ में आप लिफ्ट करेंगे इसको, अगर आप डंबल्स लगाएंगे तो आपको सिंगल हैंड की जान इस हाथ की अलग लगेगी, इस हाथ की अलग लगेगी, तो मसल आपका अच्छी तरह एक्टिव होता है उसमें। तो दोस्तों आपने देखा कि वली ने जो एक्सरसाइजेस बताई हैं और जो उनका तरीकेकार बताया है कि भाई डंबल के जरिए आप अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करें तो उससे क्या चेंजेस आती हैं, रॉड से करेंगे तो उससे क्या चेंजेस आती हैं, तो इन बातों का आपने खास ख्याल रखना है ताकि आपके शोल्डर अच्छे हो सके। तो अब आपने करना यह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोज को लाइक करना है, शेयर करना है। आपके सर में कोई भी सवाल आता है फिटनेस के हवाले से या किसी भी मसल्स के हवाले से तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका हल बताएंगे। तो हमें दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी नई जगह, नए ट्रेनर, नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।